Okay, copy this problem. If a square minus 12 ab plus 4b square equals 0, show that log a plus 2b equal to half log a plus log b plus 2 log 2. ये खाली कॉपी कर लो और फिर पुट योर पेन डाउन एंड आई एक्सप्लेन यू व्हाट टू डू. आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू शुड डू. ओके देखो इधर देखो डिफरेंस क्या है. यहाँ पे लॉग नहीं है, यहाँ पे लॉग है. मतलब लॉग को लाना है, लॉग को भगाना नहीं है, लॉग को लाना है. यहाँ पे a प्लस टू बी है. एक बात देखो, यहाँ पे a प्लस टू बी लाने के लिए टेल मी व्हाट इज a प्लस टू बी का होल स्क्वायर. ये रफ में करेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर. यहाँ पे a स्क्वायर है 4b स्क्वायर है. a प्लस टू बी लाने के लिए 4ab चाहिए. टेल मी कैन आई से सिंस a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0. I want to get a plus 2b, क्योंकि यहाँ पे देखो a plus 2b दिख रहा है मेरे को. So therefore a square plus 4b square equal to 12ab. Anybody can tell me what step I should do now? Because यहाँ पे देखो a square plus 4b square plus 4ab होने पे यहाँ पे to a plus 2b whole square हो जाता है. What should I do here and here? What should I do? Divide both side by a. क्या? क्या डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए. नो 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 नो. और कोई यहाँ पे मुझे 4ab मिल जाए तो ये a प्लस 2b का होल स्क्वायर हो जाए. यहाँ पे व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई ऐड ऑन बोथ साइड सो दैट a प्लस b दिस विल बिकम a प्लस 2b का होल स्क्वायर. What should I add here? Either or either. तो ये a plus 2b का whole square हो जाए, क्योंकि a plus 2b यहाँ पे. तो 4ab दिख रहा है. Adding 4ab on both sides. Therefore a square equal to 12ab plus 4ab. And therefore a plus 2b का whole square. Now anybody can tell me what should I do the next step? मुझे देखो log 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 की जरूरत है. What should I do? Anyone? What should I do now? Anyone? Taking what? Taking what? अरे बोलो. अरे कोई तो बोलो. Please speak. मेरी आवाज जा रही है ना? Taking what? Taking log on both sides. Therefore, log of a plus 2b ka whole square equal to log of 16ab. And therefore, topi niche utaro. Therefore, kyunki yahan pe dekho topi nahi hai. Log a plus 2b hai khali. Therefore, 2 log to log 16 plus log a plus log b. ये देखो log a plus log b तो आ गया. टू को नीचे ले जाता हूं यहां पे. therefore log a plus 2b equal to half log 16 plus half log a plus log b, क्योंकि मैं ना राइट हैंड साइड पे जो दिया है उससे मैच कराता हूं. Anybody can tell me what should I do now? ये देखो यहाँ पे मुझे 2 log 2 चाहिए और ये half log 16 है. What should I do? Anyone? 16 is 2 raised to what? Prisha? Prisha Shetty? Prisha, what is 16? फोर को नीचे उतारो. दैट इज टू लॉग टू.
एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू आर कॉपिंग और आई शुड वेट सर कॉपिंग सर कॉपी ओके 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 नाउ हैव यू कॉपीड। इसके बाद एक होमवर्क दे रहा हूं, इन द मीन टाइम आई एम राइटिंग दैट होमवर्क प्रॉब्लम एंड यू विल कॉपी, और बाद में कॉपी भी कर लो इस होमवर्क प्रॉब्लम को। ऐसा लिखो, यहाँ पे मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसके नीचे इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7ab, Prove that 2 log a + b/3 equal to log a + log b. ये होमवर्क है HW। चलो अभी जरा समझ लो, मैं रूलर मार रहा हूं। ओके अंडरस्टैंड, हमें ये दिया हुआ था और ये प्रूव करना था। नाउ सिंस प्लीज स्टॉप राइटिंग एवरीवन। ए स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 4b स्क्वायर इक्वल जीरो, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज 12ab, माइनस 12ab को यहां लाया, adding 4ab on both sides, what will I get? A square plus 4ab plus 4b square equal to 12ab plus 4ab. ये क्यों किया? क्योंकि a plus 2b whole square लाना था मेरे को। Therefore, क्यों लाना था? क्योंकि यहाँ पे a plus 2b था। तो a plus 2b का whole square is 16ab. Taking log on both sides, the log a plus 2b का whole square is log 16ab. तो भी नीचे 2 log a plus 2b is log 16 plus log a plus log b. ये multiplication becomes sum. Then अलग अलग क्यों लिखा? ये प्रूफ ऐसा था, इसलिए इसको हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी, इसको खाली अभी 16 is 2 is 4, 4 को नीचे उतारा, 4/2 is 2, सिमिलर बेसिस पे करना है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप एनीबडी कैन टेल मी, ए प्लस बी लाना है मुझे, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? एनीवन एडिंग व्हाट ऑन बोथ साइड्स? एडिंग व्हाट ऑन बोथ साइड्स? एडिंग 2ab, दैट इज राइट, एंड नाउ यू विल बी एबल टू डू एडिंग 2ab ऑन बोथ साइड्स से चालू करना, यू विल गेट द आंसर। इसे मिटा रहा हूं, जगह छोड़ो, प्रॉब्लम की जगह छोड़ो सब लोग, और मैंने होमवर्क दिया था वो 10 बजे तक आज सुबह सबमिट कर रहा था। ओनली 3 पीपल हैव सबमिटेड, अदर लोगों ने नहीं किया। अभी लिखो नेक्स्ट, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, प्रूव दैट व्हेन देयर आर 4, I'll do 2, you will do 2 as homework. Prove that 1 upon 4 is less than log 2 to the base 10 is less than 1/3. Okay, understand all of you. Stop writing. इतना लिखने के बाद लिखना बंद कर दो। कोई बोले show that 2 is less than 4, less than 9. तो ये कोई prove करने को बोले। तो can I do like this? That is to prove that 2 less than 4, that is TPT मतलब to prove that, and
फोर लेस देन नाइन चलता है कि नहीं, ये चलेगा कि नहीं, खाली इतना यस और नो में बोलो। बोले शो दैट दिस, तो आई कैन से आई विल प्रूव दिस एंड देन आई विल आल्सो प्रूव दिस, तो बोथ कंबाइंड विल गिव मी दिस आंसर, एम आई राइट, एम आई राइट और नो? यस सर। ऑन दिस बेसिस कैन आई से दैट इज टू प्रूव दैट, यहां पे देखो दैट इज टू प्रूव दैट 1/4 लेस देन log 2 टू द बेस 10 एंड log 2 to the base 10 is less than 1/3. That is to prove that. अभी यहाँ पे देखो सब लिखना बंद कर दो. Put your pen down. I'll give you sufficient time to copy. Sufficient time to copy. Tell me, can I take this 4 over there? So can I say that is to prove that 1 less than 4 log 2 to the base 10 and 3 log 2 to the base 10 less than 1. तो 4 को यहाँ ले गया, 3 को यहाँ ले आया. That is to prove that. यहाँ पे tell me, can I write log what to the base what? Anybody? यहाँ पे मुझे one के बदले log something to the same something लिखना है. इधर देखो base 10 है, इधर base 10 है. What should I write? 10 to the base. 10 to the base 10. Or either be log 10 to the base 10. That's right. That is to prove that log 10 to the base 10 is less than log sole to the base 10 and log 8 to the base 10 is less than log 10 to the base 10. Now remove log. That is to prove that remove log. So kya likhu yahan pe? Anybody? If I remove log, what should I write? 10 less than 16 and 8 less than 10, which is correct. Hence proved. अब रूलर मारता हूं, देखो रूलर मारता हूं. या आई हैव टू प्रूव दिस एंड आई हैव टू प्रूव दिस. क्या किया मैं 4 को यहां से यहां ले गया, तो 1 लेस देन 4 लॉग 2 टू द बेस 10, 3 को यहां ले आया, 3 लॉग 2 टू द बेस 10 लेस देन 1. 1 के बदले log 10 to the base 10, log 10 to the base 10. 2 raised to 4 is sole. 2 raised to 3 is 8. Remove log. That is 10 less than 16 and 8 less. अरे 10 16 से छोटा होता है तो मालूम है, और 8 10 से छोटा है वो भी मालूम है, which is correct. Hence proved. Copy this down fast. के बाद अगला प्रॉब्लम लिखो 2/3 लेस देन log 5 टू द बेस 10. ये हमें प्रूव करके बताना है. होमवर्क का प्रॉब्लम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, होमवर्क प्रॉब्लम थर्ड 2/5 लेस देन log 3 to the base 10 and less than 1/2, and fourth 3/10 less than log 2 to the base 10 and less than 1/3. ये दो होमवर्क है और ये एक और कर रहा हूं मैं अभी क्लास में आपके सामने. बहुत आसान है, बहुत ही आसान है. ये कॉपी कर लिया सबने तो मिटा सकता हूं मैं इसको? अगर आपने कॉपी कर लिया है तो मिटाऊं इसको? ओके, दैट इज टू प्रूव दैट. इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 2/3 लेस देन log 5 टू द बेस 10 एंड log 5 टू द बेस 10 इज लेस देन 3/4. दैट इज 2 लेस देन, 3 को यहां ले जाओ and 4 log 5 to the base 10 less than 3. यहाँ पे क्या करूँ? Anyone यहाँ पे क्या करूँ? 2 into anybody
Anybody can tell me what should I do? यहाँ पे तो log to the base, log 10 to the base 10. That's right. And therefore, A2 को OTP बनाओ. $125. This is how much? $625. And therefore, log 100 to the base 10 is less than log 125 to the base 10, and log 625 to the base 10 less than log 1000 to the base 10. That is to prove that 100 less than 125 and 625 less than 1000, which is correct. Hence proved. एकदम आसान है कि नहीं, सच बोलो. ये दिखने में कितना डेंजरस लगता था, बट एक्चुअली इट इज वेरी सिंपल. एक बार रूलर मारने की जरूरत है कि समझ गए हो? यस सर. ओके, देखो ये 3 को मैं वहां ले गया, तो 2 लेस देन 3 log 5 टू द बेस 10, 4 को यहां से आ गया 4 log 5 टू द बेस 10 लेस देन 3, फिर 2 के साथ में log 10 टू द बेस 10 लिखा, क्योंकि 2 * 1 1 के बदले ये लिखा, इधर 3 * 1 और ये 3 को टोपी बनाया, इस 4 को टोपी बनाया, तो दिस इज 10 रेज टू 2 इज 100 और दिस इज 5 क्यूब इज 125. This is 5 to 4 is 625, 10 cube is 1000. Log hataya, 100 less than 125 and 625 less than 1000. Woh humko maloom hai ki 100 125 se chota hota hai and 625 1000 se chota hota hai. And hence proved. Ye dono homework likho aur jagah chodo. Homework likhne ka jagah chod dega. Ek bar aur repeat kar dun. Ek bar aur ruler marne ki zarurat hai. Once more. You want once more to be ruler? Yes, no? Yes, sir. कौन से स्टेप में रूलर की जरूरत है बेटा? ओम ओम विच स्टेप यू आर नॉट सर थर्ड एक दो तीन ये वाला यस सर टू कैन बी रिटन एज टू इंटू वन और वन के बदले लॉग टेन टू द बेस टेन इधर थ्री के बदले थ्री इंटू वन वन के बदले लॉग टेन टू द बेस टेन क्योंकि बाकी सब में बेस्ट है इसके लिए. ओके सर. और बोल और कोई स्टेप नीचे. आई थिंक ये भी नहीं मालूम पड़ा ना, ये 100 कैसे आया ये भी नहीं मालूम ना. ये सर नो सर टोपी बन गया 2. हां हां लेकिन बाकी डेटा गेट डेटा गेट. ओके बाकी दो होमवर्क करो अगला प्रॉब्लम अगले टाइप का प्रॉब्लम करते हैं. अगले टाइप का ये जब टाइप दे रहा हूँ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो प्रॉब्लम करने वाले हम लोग दिखने में एकदम डेंजरस है बट प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल. लिखो इफ गो राइटिंग अलोंग विद मी. इफ बी माइनस एन लॉग एक्स अपॉन बी माइनस सी इक्वल टू लॉग वाई अपॉन सी माइनस ए इक्वल टू लॉग जेड upon a minus b. Show that number one, there are three proofs, x, y, z equal to 1. Then number two, x raised to a, y raised to b, z raised to c equal to 1. And number three, x raised to b plus c, y raised to c plus a, z raised to a plus b equal to 1. All right. सभी लोग लिखना बंद करो, पहले समझ लो क्या कर रहा हूं मैं. दिखने में एकदम डेंजरस प्रॉब्लम है, बहुत डेंजर लगता है. बाप रे ये कैसे करेंगे log x log y इधर x y z. आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट. सुनो ऐसा नहीं है, जस्ट पुट योर पेन डाउन
and see what I'm doing. Here's the very first step. Let log x upon b minus c equal to log y upon c minus a equal to log z upon a minus b equal to k. इसको k बोल दिया. Therefore, what is log x? Can I say k into b minus c equation number one, log y equal to k into c minus a equation number two, and log z equal to k into क्या लिखूं k into anybody? A minus b equation number three. Now x y z, I add 1 + 2 + 3 will give me what? Will give me log x. Therefore, log x plus log y plus log z equal to k into b minus c plus c minus a plus a minus b. Now, give me a log a plus log x plus log y plus log z equal to log what into what? Anybody? Yeah, XYZ. XYZ. That is k into. देखो प्लस बी से माइनस बी गया प्लस ए से माइनस ए दिस इज जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो. और मुझे एक बात बताओ व्हाट इज लॉग ऑफ वन टू एनी बेस जीरो. तो थ्री में जीरो के बदले क्या है राइट लॉग वन बोलो ना यार. कैन आई रिमूव लॉग लॉग फ्रॉम बोथ साइड्स. If I remove log log, what will I get? Proved. एक बार फिर से बताता हूँ देखो. इसको रेशियो को मैंने k बोला. What is log x? K into b minus a equation number one. Log y k into c minus a equation number two. Log z k into a minus b equation number three. Adding 1, 2, and 3. तो log x plus log y plus log z. ये तीनों को ऐड करिए तो k कॉमन लेंगे. अंदर ये सब आएगा. ये सबको मालूम पड़ेगा जीरो. और ये तीनों के बदले लॉग एक्स वाई जेड. बट लॉग वन इज जीरो तो जीरो के बदले आई कैन राइट लॉग वन. तो लॉग लॉग कैंसिल तो एक्स वाई जेड इक्वल टू प्रूव. कॉपी दिस डाउन फास्ट. Sir, can you write little big? Okay, I'll write. अभी कहीं भी doubt है तो मैं पढ़ता हूँ. कोई कहाँ पढ़ना है? Where is the problem? बोल बेटा किधर पढ़ूँ अभी मैं? Sir, I tell you that to write big, little big. Okay, I will write big. I can't. अरे बराबर अभी लिखूँगा अगले time से. लेकिन यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है मेरे को बोलते हैं ना. I'll read it बेटा for you. Sir, data is written from that right okay. side. Okay. ये नहीं लिखा. अभी ये मत लिखो. Okay sir. मैं बताऊंगा उसके बाद लिखना. ऐसे लिख के रखोगे तो अच्छा है. This is for second. Multiply equation number one by A, equation number two by B, equation number three by C on both sides. इतना copy किया सभी ने? इतना कॉपी किया सभी ने? प्रिशा, ओम, माज, yes, sir. जीतू कॉपी कर लिया ये. और ये खाली इतना स्टार्टिंग में लिख के रखो. मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय ए, इक्वेशन टू बाय बी, इक्वेशन थ्री बाय सी ऑन बोथ साइड्स. तो फिर देखो मैं क्या कर रहा हूं. अभी मैं इसके बाद बड़ा लिखता हूं. एनीबडी कैन टेल मी What will I get here? Equation 1 by A, yani main lal mein likh deta hun. Therefore, can I say A into A, B, B, C,
सी बोलो विल दैट डू. अच्छा एनीबडी कैन टेल मी मैंने क्यों कर रहा हूं ऐसा 1 बाय ए 2 बाय बी 3 बाय सी आपने क्यों किया एनीवन. देखो इधर क्या है एक्स रेस टू ए इसकी टोपी बनानी है एक्स की टोपी ए बनानी है वाई की टोपी बी बनानी है जेड की टोपी सी बनानी है. प्रूफ देखो प्रूफ एक्स रेस टू ए वाई रेस टू बी जेड रेस टू सी तो दैट्स व्हाई इधर ए टोपी बन जाएगी ना बी टोपी बन जाएगी. फर्स्ट आई एड 1 प्लस 2 प्लस 3 देयरफॉर व्हाट विल आई गेट अभी बड़ा लिख रहा हूं मैं a log x b log y equal to k common अंदर क्या आएगा a into b minus c plus b into c minus a plus c into a minus b और इधर क्या है राइट therefore log x की टोपी x raised to a plus log y raised to b plus log z raised to c equal to k. इसको ओपन करेंगे तो a b minus a c plus b c minus b a plus c a minus c b. अब देखो क्या क्या कैंसिल होते हैं a b and a b c a and a c and b c and a सब कैंसिल हो गया that is equal to k into 0 That is equal to zero. और यहाँ पे क्या लिखू यहाँ पे क्या लिखू बोलो बट वट इज जीरो दैट इज इक्वल टू लॉग और वन रिमूव लॉग ऑन बोथ द साइड्स ये राखल लास्ट दैट्स द आंसर ये प्रूव करना था हमको एक बार रूलर मार दूं yes, ओके क्या कॉपी कर लिया हो तो कॉपी कर लो बाद में रूलर मारता हूं कॉपी कर लो बाद में रूलर मार रहा हूं ओके देखो ये इक्वेशन वन में मैंने मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय ए किया दोनों बोथ साइड्स इधर बी किया और इधर सी किया फिर ऐड किया वन प्लस टू प्लस थ्री ए लॉग एक्स प्लस बी लॉग वाई प्लस सी लॉग जेड इक्वल टू यहां से मैंने के कॉमन लिया तो अंदर रहेगा ए टू बी माइनस सी प्लस बी टू सी माइनस ए प्लस सी टू ए माइनस बी इसको ओपन किया यहाँ पे ओपन करने पर मालूम पड़ता है सब कट जाते हैं और यहाँ पे ए को टोपी बनाया बी को टोपी बनाया सी को टोपी बनाया फिर log a plus b plus c is log a into b into c तो x raised to a y raised to b z raised to c this is zero but that is log one ये log log हटाया I got the answer is this clear or no समझ रहे हो कि नहीं ओ बच्चे लोग प्रिशा कोई doubt है छोटा सा प्रिशा छोटा सा डाउट है क्या प्रिशा शेट्टी नो सर नहीं ना ओके मार्ज मार्ज नो सर ओके अभी मुझे कोई बताएगा थर्ड के लिए मैं क्या करूं एनीबडी कैन टेल मी द स्टार्ट एनीवन फ्रॉम यू कैन टेल मी द स्टार्ट व्हाट शुड आई डू देखो x रेज़ टू पावर है b प्लस c y raised to power is c plus a z raised to power is a plus b what should I do sir we have to put b plus c log x no multiply equation 1 by what equation 2 by what plus. Multiplying equation 1 by b plus 1 by what b plus c. B. 2 by C plus A. And C by B plus B. तो यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा आराम से हो जाएगा B plus C इधर भी B plus C
इधर सी प्लस ए, इधर भी सी प्लस ए, यू हैव टू राइट अगेन ना, और यहाँ पे ए प्लस बी वी गेट नाउ. Anybody can tell me what is my next step? What should I do now? Agla step. Anybody? Adding 1, 2, and 3. That's very good, Om. And therefore, B plus C log X plus C plus A log Y plus A plus B log Z equal to K into, देखो B plus C into B minus C, I'll write B square minus C square, C plus A into C minus A, C square minus A square, A plus B into A minus B, A square minus B square, all right. मालूम पड़ रहा है सभी को कि नहीं मालूम पड़ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? प्लीज इसका क्या करूं, बी प्लस सी का, सी प्लस ए और ए प्लस बी का, एनीबॉडी इसका क्या करूं? सर टोपी, टोपी, वेरी नाइस. इसके बाद यहां लिख रहा हूं देयरफॉर लॉग एक्स रेस टू बी प्लस सी प्लस लॉग वाई रेस टू सी प्लस ए प्लस लॉग जेड रेस टू ए प्लस बी इक्वल टू, यहां पे कैन आई से के इंटू जीरो, क्योंकि ये सब कैंसिल हो जाते हैं, एंड देयरफॉर लॉग एक्स रेस टू बी प्लस सी इंटू वाई रेस टू सी प्लस ए जेड रेस टू ए प्लस बी इक्वल टू लॉग ऑफ वन, बिकॉज लॉग वन इज जीरो, एंड देयरफॉर कितना डेंजरस लग रहा था ये प्रॉब्लम, बट एक्चुअली इट इज वेरी सिंपल, इट वॉज लुकिंग वेरी डेंजरस बट द प्रॉब्लम इज वेरी वेरी सिंपल. आई एम श्योर इट्स क्लियर टू एवरीवन. एक बार रूलर मारने की जरूरत है, एक बार सम ऑफ यू वांट मी टू पुट रूलर ऑन एवरी स्टेप. माज, यस सर. ओके, देखो यहां पे मैंने देखा कि एक्स का पावर है बी प्लस सी, y का पावर है c plus a, z का पावर है a plus b, तो मल्टीप्लाई 1 by b plus c, 2 by c plus a, 3 by a plus b, तो यहाँ पे और फिर ऐड कर देगा, तीनों को ऐड कर देगा, ऐड करते टाइम b plus c log x plus c plus a log y plus a plus b log z equal to k common है, लेकिन b plus c into b minus c, b square minus a square, c plus a into c minus a, c square minus a square, a plus b into a minus b, a square minus b square. ये इसको टोपी बनाया, log x raise to b plus c plus log y raise to c plus a plus log z raise to a plus b, और ये सब कैंसिल होते हैं, that is k into zero, which is zero. फिर इसको मैंने sum becomes multiplication formula apply किया, rule apply किया, तो log x raise to b plus c into y raise to c plus a into z raise to a plus b equal to log of one, zero के बदले मैंने log one लिखा, remove log from both the sides, that's the answer, that's the answer. है कि नहीं एकदम आसान? कि थोड़ा डाउट है, लिटिल डाउट, हमेशा ध्यान रखना मैथ्स प्रिपेयर करना है ना, तो यू हैव टू राइट डाउन एंड देन प्रिपेयर, ऐसे सॉल्यूशन देखने का बंद करने का और लिख के देखने का आता है कि नहीं, देन ओनली यू विल बिकम गुड इन मैथ्स, जस्ट बाय सीइंग यू कैन नॉट प्रिपेयर. हिंदी मराठी इंग्लिश वो सब ज्योग्राफी वो सब प्रिपेयर करो, रीड करो, बट मैथ्स फिजिक्स यू हैव टू राइट मैथमेटिकल स्टेप्स. एक मिनट आगे बढ़ूं कि ये डाउट है अभी भी छोटा मोटा, छोटा डाउट है कि एक बार और लास्ट टाइम रिपीट करो, ऐसा रूलर मार दूं. लास्ट टाइम कौन से स्टेप में डाउट है? लास्ट टाइम तो बोल रहा है, लेकिन स्टेप कौन सा नहीं मालूम है, वो बता.
ओम। अरे कौन से स्टेप में डाउट है वो बोल, तो स्टेप क्लियर करो बेटा। हाँ बोल बोल प्लीज। ये कौन सा? यस सर, ये डेट अपॉन। या डेट अपॉन, यस। आई एम नॉट गेटिंग यू। कौन सा? पूरा पूरा वापस रिपीट करूं? अरे पूरा का पूरा नहीं आया कि कोई स्टेप नहीं आया? ओम बोलना। फुल नहीं आया कि एक स्टेप नहीं आया? समझ में? ओम। अच्छा लगता है ओम को कुछ समझ नहीं आया। पूरा का पूरा वापस रिपीट करता हूं। ओके इक्वेशन वन में मल्टीप्लाइंग बाय बी प्लस सी ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन टू में मल्टीप्लाइंग बाय सी प्लस ए ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन थ्री में मल्टीप्लाइंग बाय ए प्लस बी ऑन बोथ साइड्स बिकॉज बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने ऐड किया तीनों को, तो बी प्लस सी लॉग एक्स प्लस सी प्लस ए लॉग वाई प्लस ए प्लस बी लॉग जेड इक्वल टू, यहाँ से के कॉमन और ये बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाते हैं। ये इसको टोपी बना दो, बी प्लस सी को टोपी बनाया, सी प्लस ए को टोपी बनाया और ए प्लस बी को टोपी बनाया। फिर प्लस को मैंने लॉग रूल से इसको मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिखा, जीरो के बदले लॉग वन लिखा, लॉग लॉग कैंसिल एंड वी गेट दिस आंसर व्हाट इज रिक्वायर्ड। आई थिंक थोड़ा डाउट है ना अभी भी, लिटिल डाउट होम। एक बार लास्ट रिपीट कर दूं अभी भी, एक बार लास्ट वे एकदम प्रॉपर। ओके सर। ओके तेरा तो एंड ही नहीं होएगा। ओके सर आई गेट इट। अरे गेट इट नहीं, सीरियसली बोल ऐसा रिपीट में, एक बार और रिपीट करते का बोलूं मैं लास्ट, एक बार और रिपीट करूं बोलेगा हाँ सर करते जाओ करते जाओ, मजा आ रहा है। ऐसे मजा नहीं लेना, यू टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। कौन से स्टेप में डाउट है? ओ बेटा कौन से स्टेप में डाउट आ रहा है? लिटिल डाउट समवेयर? नो सर। आर यू श्योर? यस सर। एक बार लास्ट छोटा सा रिपीट मारूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग? नो सर। यस सर। तू मस्ती कर रहे हो क्या? नो सर। तो फिर क्या है, दो बार रिपीट करने के बाद तीसरी बार बोलता हाँ सर कर दो, चौथी बार हाँ सर कर दो कर दो, चलेगा वादा नहीं। अरे सीरियस मिस्टेक एरर है, कुछ पूछो बिंदास पूछो। मैं तो ऐसे बोलता ही रहूंगा रिपीट करूं, तुम हर बार बोलोगे हाँ सर करते जाओ करते जाओ। ओके इसके बाद अगला सम लिखो, लिखो इफ इफ लॉग एक्स अपॉन ए, गो ऑन राइटिंग अलोंग विद मी। इक्वल टू लॉग जेड अपॉन फाइव इक्वल टू के and also and x raised to 4 y raised to 3 z raised to minus 2 equal to 1 find a x raised to 4 y raised to 3 z raised to minus 2। likhna band karo meri awaaz suno। Therefore, tell me what is log x equal to? Can I say a k? Log y क्या लिखो? Log z क्या लिखो?